शुभांगी और आप देख रहे हैं शुभजी लाइफस्टाइल चैनल। आज का व्लॉग है होली के लिए स्पेशल, ये व्लॉग है कुकिंग बेस्ड। तो चलो मेरा कुकिंग रूटीन देखते हैं। अभी होली स्पेशल कुकिंग है ये, तो चलो अभी शुरू करते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और ये ब्लॉग कैसा लगा, ये रेसिपीज कैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कैसे लगे रेसिपीज और ये ब्लॉग। तो चलिए भी ज़्यादा बातें नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया है अभी एक कुकर, और कुकर में डाला हमने नींबू और जो पानी डाल दिया है, उसके ऊपर स्टैंड डाल दिया है। और ये दाल है, चने की दाल है, इसको इसका हम पूरन पूली बनाने वाले हैं। तो इसमें अच्छे से धो लिया है हमने दो तीन पानी से, और अभी इसमें पानी डाल के हमने रख दिया है। ये दो ग्लास दाल है, तो इसमें आप दो ग्लास ही पानी डालिए, अच्छे से पक जाएंगी ये। अभी लगाते हैं लीड, इसको ढक लेंगे। अभी हमने हल्दी डाल दी है, अभी थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है आधा टेबलस्पून के भी कम, और इसको ढक देंगे और इसके बाद इसकी लीड लगा देंगे और इसे गैस पर चढ़ा देंगे। अब हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से सीटी होने दीजिए, और उसके बाद एक सीटी आ जाए तब आप थोड़ा मीडियम कर दीजिएगा, और फिर मीडियम आँच पर इसको पकने दीजिएगा। अभी हम बनाने वाले हैं फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी, तो देखिए कैसे बनाते हैं। अभी डालेंगे राई, अभी डालेंगे जीरा, राई और जीरा को अच्छे से फूलने देंगे, तड़कने देंगे उसको। उसके बाद में डालेंगे करी लीव्स, और फिर अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट डालेंगे, और फिर हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। मीडियम प्याज है और एक दो तीन हरी मिर्च है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कितना की तीखा पसंद है वो उस हिसाब से। तभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक के, उसको अच्छे से घुमा लेंगे। उसके बाद में हम डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार। भी डालेंगे एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद में डालेंगे थोड़ा सा गोड़ा मसाला आधा चम्मच, और आधा चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद में हम डालेंगे टोमेटोज, और उसके बाद उसको अच्छे से मिला देंगे, और उसको टोमेटो को अच्छे से गलने देंगे, थोड़ी देर उसको पकने देंगे ढक्कन लगा के। उसके बाद में निकाल देंगे और देख लेंगे कि पके क्या नहीं, वो अच्छे से पक गए हैं। उसके बाद में हम उसको अच्छे से मिला देंगे और मैश कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में फूल गोभी और मटर डाल देंगे, उसके बाद उसको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के जब तक कि पूरी तरह वो अच्छे से मसाला उनमें मिक्स ना हो जाए, अच्छे से उसको लग ना जाए, तब तक कि हम उसको मिलाते रहेंगे। और मिलाने के बाद उसको ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद हम ढक्कन निकाल के उसको अच्छे से चेक कर लेंगे पकी कि नहीं। 50% पक चुके हैं हमारी सब्ज़ी, और इसको और थोड़े से 5 मिनट पकने देंगे ऐसे ही धीमी आंच पे। तो चलो अभी और ढक देते हैं इसको अच्छे से, और पकने देते हैं इसको 5 मिनट तक। अभी हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में इसकी सीटी निकाल के हम चेक करेंगे, अच्छे से गल चुकी है, पक गई है अच्छे से, मैश हो रही है अच्छे से। अभी ये पूरन बनाने के लिए रेडी हो गई है। अभी हम अपनी सब्जी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारी सब्जी अभी पक चुकी है अच्छे से, तो चलो अभी इसमें कोरिएंडर डाल देंगे और इसको निकाल देंगे। ओके